हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज अब क्लास टेंथ का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, बोल रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 60 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द 15th टर्म बाय 12। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको एपी बताना है, ठीक, एपी बनाना है या फिर बता रहा है, ठीक है। गिवन डाटा में दिया है कि इस एपी का, ठीक है, जो एपी हमको बनाना है या फिर बता रहा है, उस एपी का जो थर्ड टर्म है उसका वैल्यू कितना है, 60 है, ठीक है। ये आपको गिवन डाटा है, तो आप A3 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस 2D के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर A2 प्लस D के फॉर्म में लिख सकते हैं। दो फॉर्म में लिख सकते हैं, A2 प्लस डी या फिर A प्लस 2D, ठीक है ना। तो मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, इक्वल टू 60। अब आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, एंड अब देखिए क्वेश्चन में एक और चीज दिया है कि इस एपी का जो सेवेंथ टर्म है, ठीक है ना, यानी A7, ठीक है ना, वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ा है। मतलब इस एपी का जो सेवेंथ टर्म का वैल्यू होगा ना, उसके फिफ्थ वाले टर्म से 12 अधिक होगा, ठीक है ना। यानी वैल्यू ऑफ दिस एपी इज ग्रेटर देन दिस एपी बाई 12, ठीक है ना। मतलब इस वाले से 12 बड़ा है। अब ये तो ऑलरेडी बड़ा है, तो इधर 12 ऐड नहीं कर देना है, ठीक है ना। इक्वेशन को इक्वल करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा पहले से बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है ना। तो ये जो A7 यानी सेवेंथ टर्म है, ठीक है ना, ये जो सेवेंथ टर्म है ये फिफ्थ टर्म से 12 तो बड़ा ही है, ठीक है ना, मतलब पहले से बड़ा है। अब इधर 12 और ऐड कर देंगे तो ये 12 और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये तो छोटा ही रह जाएगा, ये छोटा है ना। अब इसको छोड़ दीजिए, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, कितना बड़ा है, 12 बड़ा है, ये 12 बड़ा है। तो हम इधर 12 ऐड करें कि इधर ऐड करें ताकि इक्वेशन इक्वल हो जाए, तो ये तो बड़ा है, अगर हम इधर 12 ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इधर इक्वल मतलब इधर ऐड करते, एक्सीड से अभी बड़ा, ठीक है ना। अभी इसको इक्वेशन नहीं नाम देते, ठीक है ना। अब इसको A7 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A+6D या फिर A6+D, ठीक है ना। इसी फॉर्म में लिख लिया आप, क्योंकि आपको डी का वैल्यू निकालना है। इसको आप A+4D के फॉर्म में लिख सकते हैं, +12, ठीक, ये खत्म। इधर भी प्लस ए है, इधर भी प्लस ए है, खत्म। इधर हो जाएगा 6D माइनस 4D इक्वल टू 12। ये 4D को इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस 4D हुआ, 2D इक्वल टू 12, D इक्वल टू 6। ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, अच्छे समझिएगा, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 6। और हम ये जानते हैं कि कोई भी एपी बनाने के लिए कॉमन डिफरेंस चाहिए ही चाहिए, और कॉमन डिफरेंस मिल गया, अब बस हमको इसमें से कोई सा भी एक टर्म फाइंड कर लेना है, या तो A1 का वैल्यू मिल जाए या फिर कोई सा भी एक वैल्यू मिल गया ना, इसमें से इस एपी का कोई सा भी एक टर्म का वैल्यू मिल गया तो हम बता देंगे पूरा का पूरा एपी। तो क्या करते हैं, इस डी का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमको A का वैल्यू मिल जाएगा, यानी A1 मिल जाएगा, A1 मिल गया तो उसमें 6 ऐड कर देंगे तो A2 हो जाएगा, उसमें 6 ऐड कर देंगे तो A3 हो जाएगा, उसमें 6 ऐड कर देंगे तो A4 हो जाएगा। यही ना होता है, पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, अगला वाला टर्म अपने आप बन जाएगा, ठीक। तो हम पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पास आपको चमक रहा होगा, ठीक है ना। तो फिफ्थ टर्म है, ठीक है ना, क्वेश्चन तो आपके बुक में दिया, ठीक है ना, तो बताने की जरूरत नहीं। मैं पुट कर रहा हूं डी का वैल्यू किसमें, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो A+2 × 6 इक्वल टू 60 रह गया, हाँ 60 है। देखो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, ठीक है ना,
होता है कभी कभी होता है। अब पुट कर देते हैं, पुट तो कर दिया, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 16 2 16 a = 16 - 12 a = 4 4 14 by 4। अब इस एपी से समझिएगा, ए वर्ड आपका 4 हो गया तो ए टू क्या होगा? अब अपने से बताइए, जैसे एक एपी बना रहे हैं आप, ठीक है ना, जिसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है, अब कॉमन डिफरेंस 6 है, तो ए टू कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे, आपको पता ही होगा ए टू के लिए, अच्छा समझिएगा, ए प्लस बी करेंगे, ए थ्री के लिए ए टू प्लस डी करेंगे, यहां पर दो चीज में लिखा हो, ठीक है, ए प्लस टू डी या फिर ए टू प्लस डी, बात एक ही है। ए फोर के लिए आप क्या करेंगे, ए थ्री प्लस डी करेंगे, ए फाइव के लिए क्या करेंगे, यदि पिछले वाले टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, जैसे ये पिछला वाला टर्म है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 13 आ जाएगा, एक और टर्म बन गया ए टू बन गया, फिर इसमें ए थ्री के लिए ए टू यानी पिछला वाला टर्म में आप 6 ऐड कर देंगे, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ए थ्री बन जाएगा, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ये ठीक है, मतलब हेंस एपी इक्वल टू दिस, ठीक है, डॉट डॉट लगा दे मतलब चलते जाएगा, कहां तक जाएगा खुद नहीं मालूम है, तो यही आपका एपी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लिख लीजिएगा, ये मैं बस समझाने के लिए लिखा हूं ना, आपको सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करना है और लास्ट में लिख दे रहा है हेंस करके फाइनल आंसर, ठीक है ना। 16 डॉट डॉट मतलब यही आपका एपी बढ़ेगा, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस या फिर एक टर्म अगर मिल गया, दोनों मतलब दोनों ही चाहिए, ठीक है ना, कोई एपी बनाने के लिए, तो हम एपी बना सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा, जब हम ए थ्री को इस फॉर्मेट में लाएंगे और ए सेवन को इस फॉर्मेट में और ए फाइव को इस फॉर्मेट में, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, काट पीट करेंगे, तब जाकर हमको डी का वैल्यू मिलेगा, और डी का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मिल जाएगा ए का वैल्यू। और ऐसे ही सॉल्व करना है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।